बट यहाँ पर ये बहस नहीं है हिंदू एंड मुस्लिम और स्टैंडिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ है, ये पहले गवर्नमेंट को बता दिया गया। जब पुलिस से क्वेश्चन किया जा रहा है तो कुछ नहीं, लीडर से क्वेश्चन किया जा रहा है तो कुछ नहीं। कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि एनआरसी होगा, बट कोई मीडिया अगर उनसे पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी, उनको एनआरसी का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम, रूल्स तो बहुत दूर की बात, बट कह रहे हैं एनआरसी तो होगा, एनआरसी तो होगा। अब यहाँ पर ये बात हो गई, चलिए इनका तो छोड़िए, बट अपने पीएम उन्होंने बोल रहे बच्चे बहुत है ना भाई, स्टेट करो अब बैठो। मैं निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट से, मेरा नाम सैयदा हुस्ना फातिमा है। हम लोग यहाँ पर 1 बजे से जमा हुए ताकि हम लोग जो जामिया और JNU एंड AMU के स्टूडेंट्स के साथ जो जुल्म हो रहा है, RSS और ABVP के जो लोग हैं जो घुस के कॉलेज में मार रहे हैं, हॉस्टल में बच्चियों को मार रहे हैं बुरी तरीके से, उनके सर फोड़ रहे हैं, लाइक वी जस्ट कांट इमेजिन के वो हमारे साथ हो, वो सब उन स्टूडेंट्स पे गुजर रहा है जस्ट बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कैब एंड NRC और NPR जो भी हो रहा है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से ये सब हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कई वीडियो में पुलिस जो ठहरी हुई है उन खुले से बोल रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे हम मदद नहीं करेंगे। जस्ट लाइक थिंक कि अगर हमारे साथ हुआ ये कितना बुरी चीज़ है, और चांसेस है कि वो हैदराबाद में भी हो, हमारे कॉलेज में भी हो, और वो लोग आकर हमारे पे भी अटैक करें, तो पुलिस ठहर कर अंदर वो लोगों को भेजकर स्टूडेंट्स को लाइक अटैक करने, मारने के लिए, अब्यूज़ करने, ब्रूटली उनको मारा जा रहा है, उनको सर फोड़ा जा रहा है, खून निकाला जा रहा है, गर्ल्स के साथ बड़ी बेरहमी से के साथ बिहेव किया जा रहा है, ढकल दिया जा रहा है, ऑल एवरीथिंग देख सकते हैं आप लोग कैसा किया जा रहा है। तो पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, बट द थिंग इज पब्लिक सर्वेंट दे आर नो मोर पब्लिक सर्वेंट, वो गुलाम हो चुके हैं, ये जो बिग गई है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के गुलाम हो चुके हैं लोग। वो हमको तो इतना डर होता है कि पुलिस आके कहीं हमें ना मारे, बिकॉज वो हम लोग के साथ ही नहीं है, और पुलिस हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाह रही ही नहीं है। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस आके उल्टा हम लोग को लाइक असॉल्ट एंड वगैरह ब्रूटली हम लोग के साथ बिहेवियर किया जा रहा है हम लोग का। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले नहीं है, NRC कैब वगैरह हम मानने ही वाले नहीं है। जब हम ये देश के सिटीजन्स हैं तो हम क्यों दें इनको प्रूफ, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, हमारे जो बाप दादा है वो यहाँ पर ही रहे हैं, और मुल्क की आज़ादी में आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों का कितना पार्टिसिपेशन रहा है, अहम रोल निभाए है। टीपू सुल्तान जो शुरू कर रहे थे लड़ाई, मौलाना आज़ाद जो गांधी जी को हमेशा सपोर्ट करते रहे, आप वो सब भुला चुके हैं। आप बस ये चाहते हैं कि आपकी एक साजिश है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से और चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान ना रहे। मोदी जी बस यही चाहते हैं कि, और अमित शाह की भी यही साजिश है, मुसलमान को निकाल के फेंका जाए। अब आपके पर्सनल ग्रजेस वगैरह जो भी आपकी नफरत है वो आप क्यों सेक्युलरिज्म को ब्रेक करने के वास्ते, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप बस ख़त्म ही कर चुके हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं हैं। आप कैसी गवर्नमेंट है, कैसे आप लीडर्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन शायद आप पढ़े नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, सेक्युलरिज्म लफ्ज़ का आपको मतलब मायना नहीं समझ आएगा। अमित शाह और मोदी जी को डिफ़िकल्टी होती होंगी समझने के लिए, बिकॉज पढ़े नहीं ना तो कहाँ से समझेंगे। तो वही बात है, और आपको एजुकेशन, हेल्थ वगैरह डेवलपमेंट के वास्ते आपको फंड्स नहीं है, आप जाके दूसरे कंट्री से भीख मांग रहे, जबकि आप यहाँ पे NRC और कैप